हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट करके पहले मुझे ये बताइए कि चॉकलेट प्रीमिक्स और चेरी का क्रश यूज करके, साथ में डार्क चॉकलेट कंपाउंड को यूज करके कौन सा फ्लेवर बनता है। तो आप सोच रहे होंगे आज वीडियो स्टार्ट नहीं किया मैम ने और क्वेश्चन पेपर पहले ही दे दिया। तो जो लोग समझ गए हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आज ना मैं आपको बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन करना सिखाऊंगी, मतलब खिला खिला सा कलर होगा और मतलब देख करके खुश हो जाएगा, क्योंकि ये केक जो है मैं किसी की कॉन्ग्रेचुलेशन में देने वाला एक केक बना रही हूँ, मतलब बधाई वाला केक है और बहुत ही अलग सा है। और बहुत से लोग ना कमेंट कर रहे थे कि मैम नोजल वर्क सिखाइए, कई दिनों से नहीं देखा, फ्लावर वगैरह अलग अलग टाइप्स के बनाना सिखाइए। तो आज के इस वीडियो में, क्लास तो नहीं बोलूंगी, इस वीडियो में आपको अलग अलग तरीके के मैं फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी, कम कलर को यूज करके कैसे आप एक बहुत ही ब्राइट केक बना सकते हैं वो सिखाऊंगी। और जिन्होंने गेस कर लिया वो कमेंट अपना वीडियो देखने से पहले ही करेंगे कि ये कौन सा फ्लेवर बनने वाला है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का ना फ्रेंड्स केक बनाएंगे हम मोहन इम्पैक्स का, ये चॉकलेट प्रीमिक्स को यूज करके। और बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम इस प्रीमिक्स का रिजल्ट कैसा है, तो मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। मैं इनका चॉकलेट प्रीमिक्स, वनीला प्रीमिक्स, ब्राउनी प्रीमिक्स और यहाँ तक कि रेड वेलवेट प्रीमिक्स भी यूज करती हूँ। और सभी के ऑनलाइन परचेज लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ले सकते हैं। ये 1 kg से लेकर 5 kg की पैकिंग में मिलता है और आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं वहां पर ऑनलाइन इस प्रीमिक्स को मंगा सकते हैं। और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, मैं कंटिन्यूस यूज कर रही हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो एक बार इस प्रीमिक्स को मंगवा करके ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सामने से इस तरीके से देखता है ये, आधा केजी का केक बनाने जा रही हूँ, क्लासिक केक प्रीमिक्स। तो आधा केजी केक के लिए यहाँ पर मैंने 180 ग्राम ये प्रीमिक्स लिया है, लगभग 1.5 कप अपने 250 ml वाले कप से। अब इसमें पानी और ऑयल आप हिसाब से डाल लीजिएगा। ऑयल तो 1.5 कप में 13 tablespoons ही डलता है और पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर हम बना लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बैटर हमारा बन गया है। अब इसको बेक करने के लिए फ्रेंड्स मैं ये वाला केक टिन ले रही हूँ, ये मेरे पास बहुत पहले का मैंने मंगाया हुआ है। ये स्क्वायर भी नहीं होता, राउंड भी नहीं होता, बट पहले यही स्क्वायर केक टिन आते थे और ये रखे ही रहते हैं, तो सोचा आज इसे ही यूज कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने ऑर्डिका इको बेक बेकिंग पेपर सेट कर दिया है और सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया। चलिए अब इसको करते हैं बेक। बेक करने के लिए मैं अपने अगारो का ओटीजी यूज कर रही हूँ, जिसे 180 डिग्री पर पहले ही मैंने प्रीहीट कर लिया है दोनों रॉड्स को ऑन करके। और अब इसकी मिडिल वाली रैक में 150 डिग्री पर ही करीब 25 से 30 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर केक स्पॉन्ज रेडी हो जाता है लगभग 30 मिनट के अंदर ही, ये देखिए। तो अभी इसको निकाल करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। तब तक मैं अपनी क्रीम को अपने अगारों के स्टैंड मिक्सर में विप होने के लिए रख देती हूँ। इसमें ये आराम से विप हो जाएगी और बहुत बढ़िया विप होती है। और बहुत से लोग पूछते हैं मैम आपके पास स्टैंड मिक्सर कौन सा है, तो यही वाला है, आपको चाहिए तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं। जब तक फ्रेंड्स क्रीम विप हो रही है, केक को ना डीमोल्ड कर लेते हैं ताकि ये बाहर रखे रखे थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर हम इसकी लेयर को कट कर सकें। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम ये मोल्ड तो बेकार हो गए, स्क्वायर केक टिन तो अब नए वाले आ गए हैं, गोल वाले भी आ गए हैं। तो देखिए मैं तो आज इसे यूज कर रही हूँ, आपके पास भी है तो जरूर यूज कीजिए। अगर प्रॉपर स्क्वायर चाहिए तो हल्का सा साइड्स को ट्रिम कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने टॉप लेयर हटा दी। और इस प्रीमिक्स की ना फ्रेंड्स सबसे खास बात यह है कि इस केक से ना कभी भी डोम शेप नहीं बनती है। तो यहाँ पर ना केक का वेट मुझे थोड़ा सा बैलेंस करके देना है, उन्होंने बोला है कि 500 ग्राम से ज्यादा केक नहीं होना चाहिए और डिजाइनिंग में काफी सारे फ्लावर बनने वाले हैं। तो मैंने दो ही लेयर कट करी है और यहाँ पर इसे स्टैंड मिक्सर में देखिए मेरी क्रीम हो गई है प्रॉपरली विप और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी फ्रेंड, चाहे गर्मी हो या सर्दी, क्योंकि इसमें बहुत परफेक्टली क्रीम विप होती है। तो आप इसे जरूर लीजिएगा। चलिए अब करते हैं केक की आइसिंग। तो यहाँ पर बोर्ड पर ही आज डायरेक्टली मैंने ये रख दिया है क्योंकि स्क्वायर बोर्ड को शिफ्ट करेंगे बोर्ड पर तो शायद फिनिशिंग में दिक्कत आ जाए। और दो ही लेयर कट करी है, तो पहले मैंने क्रीम लगा करके पहली लेयर रखी है जो टॉप वाली थी, उसको कर लिया है मॉइस्ट। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्रीम, क्रीम को फिर हल्का सा इवनली स्प्रेड कर देंगे क्योंकि स्क्वायर केक है और एक ही लेयर है। और अब इसके ऊपर लगाएंगे चेरी का क्रश। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आज कौन सा फ्लेवर बनने वाला है, तो जिन्होंने गेस कर दिया उन लोगों को तो कांग्रेचुलेशन, बट जो नहीं कर पाए उन्हें बता दूं आज हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने वाले हैं। तो उसमें चॉकलेट फ्लेवर में हम चेरी की फिलिंग डालेंगे, क्रश डालेंगे, जो भी आप डालना चाहें। मेरे पास क्रश तो था ही, फिलिंग भी रखी थी, तो सबसे पहले सोचा फिलिंग ही डालती हूँ, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए इसमें चंक्स होते हैं फ्रूट के, तो वो और भी अच्छे टेस्टी लगते हैं, आप चाहें तो क्रश भी डाल सकते हैं। बढ़िया इसको ना इवनली स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर केक की जो नीचे वाली लेयर थी वो प्लेस कर दूंगी। तो केक क्या है, वेट से बाहर नहीं जाएगा, बैलेंस रहेगा और जैसी हमें क्रीम की डेकोरेशन करनी है इसके ऊपर हम वो कर पाएंगे। तो जब भी फ्रेंड्स आपको क्रीम ज्यादा लगानी है, आपको पता है, तो प्रीमिक्स की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिए। अगर आपके कस्टमर ने बोला है कि क्रीम कम चाहिए तो प्रीमिक्स की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। और ये मैं अपने वीडियोज में आपको
बताती रहती हूँ, तो आप मेरे वीडियोस को ना बिना स्किप किए देखेगा, बारीक से बारीक जानकारी आपको मिलेगी ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए, कोई भी चीज ओवर अंडर वेट में ना बने। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर के ना मैं पहले इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ, और आप सभी को पता है स्क्वायर केक में फिनिशिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट हम डिजाइन ही जैसी बनाएंगे कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए, तो हल्की हल्की क्रीम लेकर के मैंने कर लिया इसकी क्रम कोटिंग, और फाइनल आइसिंग के लिए मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कर ली है, और इसी की मदद से अब इसके ऊपर लगाते लगाते हम फाइनल आइसिंग करेंगे। और साइड की फाइनल आइसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर मैं चॉकलेट के जो क्रम्स होते हैं वो लगाने वाली हूँ, और ऊपर हम हल्का सा स्क्रैपर मारने वाले हैं, क्योंकि हमारी डेकोरेशन ही कुछ ऐसी है। तो क्रीम अप्लाई कर ली है, अब लीजिए पैलेट नाइफ, पहले ऊपर की क्रीम को स्मज कीजिए, फिर साइड की, और फिर स्क्रैपर से हम स्मूथनिंग कर देंगे। तो जब तक ये हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक आपको बता दूं कि 31 मार्च से मेरा ब्रेड, डोनट, पिज्जा, पफ पैटीज, कुकीज का एक बहुत ही बढ़िया सा वर्कशॉप आ रहा है 15 दिन का, जिसमें 6 क्लासेस हैं, जिसकी फीस भी बहुत कम है। आपके पास लाइफ टाइम क्लास रहने वाली है, प्लस उसमें आपको कोर्स करने का, वर्कशॉप करने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज करके अपनी सीट आज ही बुक करा लीजिए। ऑलरेडी हमारे 2 बैचेस फुल हो चुके हैं, ऐसा ना हो आप लोग लेट हो जाए। चलिए, केक की स्मूथनिंग फिनिशिंग हमने ऑलमोस्ट जितनी करनी थी वो कर ली है। अब क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है और साइड में मैं इसके ये चॉकलेट के पीसेस लगाने वाली हूँ, तो आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड को अच्छे से ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लीजिएगा। आप चाहें तो चाकू से भी छोटे छोटे पीसेस कट कर सकते हैं, बट इस तरीके से काम ना फटाफट हो जाएगा। तो मेरे पास ये अगारो का ग्रेटर था, और अब इसको लेकर के मैं इसकी साइड्स में इस तरीके से चॉकलेट को स्टिक कर दूंगी। कुछ लोग बड़े बड़े रफल्स भी निकालते हैं इस तरीके से चॉकलेट से, तो वो भी अच्छे लगते हैं बड़े बड़े पीसेस, बट मैंने ये बनाया है ग्रेटर से, तो मैं वही सब कुछ इस पर स्टिक कर दूंगी। ये देखिए, अब ऊपर की तरफ थोड़ी सी स्मूथनिंग करेंगे हम अपने स्क्रैपर से, और अब इसके ऊपर बनाएंगे हम डिजाइन। तो पैटर्न बन गया फ्रेंड्स। अब मैंने नूर का 46 नोजल लिया है, भरी उसमें सिंपल व्हाइट कलर की क्रीम, और इसके एजेस पर ना एक अलग सा बॉर्डर बनाएंगे। उसमें क्या करना है आपको, 3 बार तो एक तरीके से घुमाना है, फिर थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में 3 बार, और इसी तरीके से पूरा कवर कर देंगे। फिर से देखते हैं, एक बार एक ही डायरेक्शन में 3 बार स्वर्ल देने हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 3 बार स्वर्ल देने हैं, इस तरीके से चारों डायरेक्शन में जब आप ये बना लेंगे ना, तो एक अलग सा ही लुक जो है आपके केक में आ जाएगा। ये देखिए, 3 बार एक स्वर्ल, फिर एस हल्का सा बना करके अपोजिट डायरेक्शन में 3 स्वर्ल एक तरफ। ये देखिए, जगह कम थी तो मैंने 2 ही बना दिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम करेंगे फ्लावर वाली डेकोरेशन। तो एक बैच की थोड़ी सी क्रीम मैंने बाउल में निकाली है, उसमें मैंने पिंक जेल कलर डाला है, साथ में डाल दिया है 1 ड्रॉप रेड जेल कलर का, तो टोटल 4 ड्रॉप डाले हैं, जिससे कि एक गाजरी जैसा शेड हमारा बन जाए। पिंक में रेड मिलाते हैं, बहुत ही प्यारी सा एक गाजरी शेड बनता है। ये देखिए, अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नूर 11 नोजल लिया है, और उसमें इस क्रीम को भर लिया है, ली है मैंने फ्लावर नेल, और इसके ऊपर ना एक बेस बनाएंगे, थोड़ा चौड़ा बेस बनाएंगे। और अब पेटल बनाने के लिए आपको क्या करना है, नोजल का जो मोटा वाला एंड है वो अपनी तरफ रखकर पतला वाला एंड बाहर की तरफ करना है, और स्ट्रेट इस तरीके से पेटल्स बनानी है। ये देखिए, थोड़ा आगे करके पीछे की तरफ खींच लेना है, तो पेटल्स बनती जाएंगी, और बस फ्लावर नेल को घुमाते घुमाते एक जैसी पेटल बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, और इस पूरे सर्कल को कवर कर दीजिएगा, तो आपका एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखने वाला। साइड में मैंने इसके जैसा दिखने वाला फ्लावर भी आपको दिखाया है, और बस एक किनारे पर इस फ्लावर को प्लेस करेंगे। तो पहले थोड़ा बेस बना लीजिएगा, और सीजर से बहुत ही केयरफुली से उठाकर प्लेस कर दीजिएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने जो बेस बनाया था ना, वो थोड़ा सा फ्लैट करके बनाया था। चलिए, केक की स्पेस को देखते हुए फ्रेंड्स, एक ही फ्लावर मैंने वो बनाया है। अब मैंने लिया है नूर का 44 नोजल, सिंपल व्हाइट कलर की क्रीम ली है, पहले बेस बना देंगे। अब इस तरीके से पहले जो हम स्ट्रेट खींच रहे थे, इसमें थोड़ा सा घुमा के उल्टा यू बनाते हुए हम पेटल्स बनाएंगे। और इस बार मैंने कलर नहीं लिया है, जो फुसफुस आता है ना फूड स्प्रे, तो वो से मैं इसको कलरफुल करूंगी। तो येलो वाला ले लीजिए, उसे बहुत ही सुंदर फ्लावर बनता है, और ये फ्लावर किस जैसा दिखता है साइड में मैंने दिया है, और ये बिल्कुल हूबहू वैसा दिखेगा। ये देखिए, इसको भी प्लेस कर लेते हैं। तो आज जो जो नोजल मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड, साइड में उनकी पिक भी दे रही हूँ, नंबर भी बता रही हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि जब भी मैं ऐसा नोजल वर्क यूज करती हूँ, आप लोग नोजल पूछते हैं, तो साथ के साथ आज मैं देती जा रही हूँ। सेम वही फ्लावर एक बार और बनाएंगे, पहले बेस बनाएंगे, और इस तरीके से बस हल्का सा यू के कर्व को देते हुए पेटल्स बना लेंगे, और फुस से इसको कलरफुल कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, फ्लावर कहीं कड़वा नहीं लगेगा, कम से कम कलर यूज होगा, और फ्लावर खूब अच्छा ब्राइट और डार्क कलर का लगेगा। ये देखिए, और ये सब मटेरियल आपको फ्लेवरसम शॉप जो है ना पूना में, वहां पर आपको मिल जाएगा, हर तरीके के स्प्रे उनके पास। और इसको भी मैंने इसके पास प्लेस कर दिया है। तो 2 फ्लावर लगने से ही देखिए किनारा हमारा केक का कितना सुंदर लगने लगा है। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं केक के ऊपर फ्लावर बना रही हूँ, सेम वही नोजल है जिससे हमने पहले फ्लावर बनाया था। बस टर्न टेबल को इसमें आपको खूब रोटेट करना होगा, और साइज को देखते हुए इस बार पेटल मैंने थोड़ी छोटी ली है। ये देखिए, तो
केक के बेस पर भी आप डायरेक्टली फ्लावर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है फ्लावर नेल पर ही बनाएं। अगर आपको सीजर से उठाने में दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली भी ऐसे फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए लग रहा है ना सुंदर। अब फ्रेंड जितनी भी क्रीम मेरी बची थी ना वो गाजरे कलर की व्हाइट कलर की, उसको मैं ग्रीन कलर में चेंज करूंगी। तो उसमें डालिए ग्रीन जेल कलर, साथ में डाल दीजिए येलो कलर, तो उससे बहुत ही प्यारा एक ग्रीन पत्ते का शेड बन जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिएगा, फिर लगे अगर आपको शेड आपका ग्रीन कम हो रहा है तो आप इसमें ग्रीन कलर एक ड्रॉप और डाल लीजिएगा। मैं हमेशा जब भी ग्रीन कलर बनाती हूँ लीव्स का वो ऐसे ही बनाती हूँ, जितनी भी फ्लावर से बची क्रीम होती है ना उसी में ग्रीन कलर मिलाती हूँ। तो देखिए अभी हमारा ऑलिव शेड बना है, अगर आपको ये कलर चाहिए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ग्रीन टोन चाहिए तो मैं एक ड्रॉप ग्रीन कलर का फिर से डालूंगी, फिर से मिक्स करूंगी। अभी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर जो है बिल्कुल प्रॉपर अच्छा वाला आ गया है। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में फिल करूंगी फ्रेंड्स, कोई नोजल यूज नहीं करूंगी, सिंपली आगे की उसकी वी कट वाली टिप कट करके मैं इससे पत्ते बनाऊंगी। तो आपको क्या करना है, पाइपिंग बैग का इस तरीके से एक किनारा कट करना है और दूसरा किनारा बिल्कुल सेम उसी साइज का, तो इसको कहते हैं वी कट और इससे बहुत अच्छे पत्ते बनते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा सा वाइब्रेट करके आप बाहर की तरफ खींच लीजिएगा, जितना बड़ा पत्ता बनाना चाहें बना सकते हैं। हाँ क्रीम का टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा तो पत्ते की जो नोक है ना पॉइंट वो अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का वाइब्रेट करके बनाइएगा, वैसा ही लुक आएगा जैसे पत्तों में होता है। तो बस अब इससे जहां पर भी आपको पत्ते चाहिए आप बना लीजिए, जितने बड़े चाहिए जितने छोटे चाहिए वो आप बना सकते हैं। देखिए मैं थोड़े थोड़े बड़े पत्ते बना रही हूँ ताकि वो नीचे की तरफ इस तरीके से दिखें। ये देखिए तो लग रहा है ना फ्रेंड्स एकदम खिला खिला केक, ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी केक लगता है और अच्छे से आप इसे अगर बनाएंगे तो ये लुक बहुत प्यारी आएगी। ये देखिए तो जो स्क्वायर मोल्ड पड़ा रहता था ना आज हमने उसे भी यूज कर लिया है। और अभी ना फ्रेंड्स ना सिल्वर नहीं गोल्डन वाला लश्कर डस्ट जो होता है ना वो स्प्रे कर रही हूँ स्पेशली इन पत्तों पर, तो एक अलग सी एंटीक लुक आ जाएगी, एकदम मेटालिक जैसी शेड आ जाएगी। अभी देखिएगा जब मैं पूरा स्प्रे कर दूंगी तो अब आपको दिख रही होगी कितनी प्यारी पत्तों पर शेड आ रही है। ये देखिए और बस फ्रेंड्स केक तो रेडी है। अब इस पर टॉपर आप अपनी चॉइस का लगा दीजिएगा जिस भी ओकेजन से रिलेटेड आप बना रहे हैं, बट नीचे की तरफ ना थोड़ी सी चॉकलेट की एजेस मुझे ठीक नहीं लग रही थी, क्रीम मेरे पास थी गाजरी कलर की तो मैंने उसे पाइपिंग बैग में भर करके धीरे धीरे करके एक पर्ल वाला बॉर्डर भी बना दिया है। ये देखिए और फ्रेंड्स इसका वेट करने का जो क्लिप है ना वो मेरा मिस हो गया, ये प्रॉपर हमारा केक जो था वो 520 ग्राम का रेडी हुआ था जैसा कस्टमर ने कहा था। और अब थोड़े से फ्लावर्स के ऊपर मैं बीट्स लगा दूंगी, व्हाइट कलर के पर्ल्स जो होते हैं स्प्रिंकल्स जो होते हैं वो, और क्योंकि ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला केक है तो उससे रिलेटेड मैंने एक टॉपर भी इस पर लगा दिया है। केक थोड़ा प्लेन लग रहा था तो वहां पर भी मैंने गोल्डन बीट्स जो है वो डाल दिए क्योंकि व्हाइट ना व्हाइट पर दिख नहीं रहे थे, तो मिक्स एंड मैच करके डाल दिए। तो इस तरीके से केक हमारा फ्रेंड्स हो गया है परफेक्टली रेडी। और इसकी जो अप्रॉक्स प्राइसिंग है फ्रेंड्स वो मैंने साइड में दे दी है, बट ये फिक्स नहीं है, आप अपनी जगह के हिसाब से रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नया कुछ सीखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।